नमस्कार दोस्तों, मैं मधुकर कुमार YouTube चैनल सेलटेक वाटर में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वाटर इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा, हॉट वाटर के बारे में चर्चा करूंगा और हमारी कोशिश होगी कि हॉट वाटर और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊं, ताकि जब आप बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। कई बार मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स के यहाँ कि वो बिल्डिंग में किसी तरह का हॉट वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, जहां पे जरूरत होती है अधिक वहां थोड़ा सा कम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आपके घर का, जो आपके घर का फैमिली मेंबर है, उसके अकॉर्डिंगली कितना बड़ा और किस तरह का हीट पंप आप परचेज करें या सोलर वाटर हीटर परचेज करें, इसके बारे में डिटेल से मैं जानकारी दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हॉट वाटर, जो आज का हमारा टॉपिक है। हॉट वाटर के लिए बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक बॉयलर, गैस गीजर, गैस बॉयलर, डीजल बॉयलर, सोलर वाटर हीटर और हीट पंप। इसमें मैं आपको बताता हूं, चाहे कंपनी कोई भी हो, लेकिन प्रोडक्ट का जो रेंज होता है वो ऑलमोस्ट वो एक जैसा ही होता है। कोई ब्रांड अधिक बड़ा होता है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी अधिक होती है, कोई ब्रांड अगर छोटा होता है उसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन मूल रूप से सभी का एक जैसा होता है। मार्केट में जब आप खरीदने जाएंगे हॉट वाटर प्रोडक्ट, उसमें से सबसे जो सस्ता प्रोडक्ट होगा आपको वो इलेक्ट्रिक बॉयलर होगा। इलेक्ट्रिक बॉयलर से थोड़ा महंगा आपको डीजल बॉयलर पड़ेगा और डीजल बॉयलर से भी महंगा आपको गैस बॉयलर पड़ेगा, गैस बॉयलर से महंगा आपको सोलर वाटर हीटर और सबसे महंगा आपको पड़ेगा हीट पंप। ये तो मैंने एक सीरीज में आपको बताया, ये वन टाइम कॉस्ट के बारे में बता रहा हूं। लेकिन अगर आप रनिंग कॉस्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो रनिंग कॉस्ट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल गीजर की सबसे अधिक होती है, उससे कम जो होता है वो डीजल बॉयलर का होता है रनिंग कॉस्ट, कम उससे भी कम गैस बॉयलर का होता है। और सोलर वाटर हीटर और हीट पंप, अगर इन दोनों में मैं बात करूं तो एक कंडीशन है, वैसे कहा जाता है कि ये दोनों 1/4 बिजली लेती है। इट मीन्स अभी तक हम ये समझते हैं कि सोलर वाटर हीटर और हीट पंप ये दोनों बहुत ही कम बिजली में, बहुत ही कम एनर्जी में आपको हॉट वाटर जनरेट करके देता है। अभी तक हमने जाना कि हीट पंप हॉट वाटर जनरेटर में जितना भी प्रोडक्ट है उसमें सबसे कम खपत इसकी होती है, रनिंग कॉस्ट सबसे कम इसमें लगता है। अब ये कैसे रनिंग कॉस्ट कम लगता है, आइए मैं आपको एक ग्राफ की मदद से, एक सर्किट की मदद से बताता हूँ। हीट पंप की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर एक कंप्रेसर होता है, ब्लैक जैसा जो आपको दिखाया जा रहा है वो कंप्रेसर है। उसके बाद एक हीट एक्सचेंजर होता है, जो बोल्ड एरो में रेड कलर में दिखाया हुआ है वो हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है, हीट एक्सचेंजर जो एक प्रोडक्ट है वो है कि हीट को दूसरे चीज में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये इसके आगे एक डमरू जैसा बना हुआ है, वो एक्सपेंशन वाल्व है, वो प्रेशर को घटाता है और बढ़ाता है। उसके आगे जो पतली पतली एरो बनी हुई है वो एवोपरेटर है, उसमें से एयर इन और आउट होती है। तो ये है इसकी टोटल सर्किट। और ये अब काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। एक रेफ्रिजरेंट होता है, उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर कंप्रेशन के जरिए बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में तब्दील कर देता है। वहाँ से ये रेफ्रिजरेंट हीट एक्सचेंजर के अंदर जाता है और अपनी टोटल हीट को वाटर के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद ये रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाता है और एक्सपेंशन वाल्व इसकी प्रेशर को और टेम्परेचर को और भी कम कर देता है। यहाँ से वो एवोपरेटर के अंदर जाता है, एवोपरेटर में बाहरी तापमान से भी इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर ये कंप्रेसर के अंदर आता है,
अगेन कंप्रेसर कॉम्प्रेस्ड करता है रेफ्रिजरेंट को और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ले जाता है। फिर ये अगेन हीट एक्सचेंजर के जाता है और यही सर्कुलेशन बार बार होती रहती है, जिसके कारण कि हीट एक्सचेंजर जो आगे है वाटर को हीट कर देता है। बेसिक आपको क्या चेक करना है, आपको क्या देखना है, मार्केट में सबसे पहले जो भी हीट पंप आपके पास आया हुआ हो जिसको आप देखें उसकी सीओपी देखें। जिसकी सीओपी जितनी अधिक होगी वो उतनी कम बिजली लेगा और उतना अधिक वो हीट जनरेट करेगा। रेफ्रिजरेंट उसके अंदर कौन सा है, जनरली 417A चलता है मार्केट में और ये इको फ्रेंडली भी है। ये कंप्रेसर जनरली रोटरी आता है, अभी जितने भी आ रहे हैं सब में रोटरी ही आ रहे हैं। इनपुट और आउटपुट पावर जो है ये मैंने नहीं लिखा है, मैं एक सिंपल माध्यम से आपको बताता हूं कि अगर किसी हीट पंप का इनपुट 1.5 किलोवाट है तो उसका आउटपुट जो होगा वो 6 किलोवाट होगा। अगर उसकी सीओपी 4 है, ठीक इसी प्रकार अगर किसी की सीओपी 4.5 है तो इंटू 4.5 गुना वो हीट जनरेट करेगी किलोवाट में। तो आपको ये देखना है कि जिसकी सीओपी सबसे अच्छी हो आपको उसका हीट पंप लेना है। अभी तक जो आपने देखा, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि हीट पंप सेविंग कैसे करता है। मैं यहाँ एक इलेक्ट्रिकल गीजर बनाया हूँ, इसकी भी एक कैपेसिटी 100 लीटर हमने रखी है। हीट पंप बनाया हूँ, इसकी भी कैपेसिटी हमने 100 लीटर रखी है। इसमें कैपेसिटी 100 लीटर है, हम इसमें किलोवाट जो दे रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रिकल हीटर में किलोवाट दे रहे हैं वो 1000 किलोवाट। अब हम सबसे पहले एक देखेंगे कैलकुलेशन की मदद से कि 1000 किलोवाट हीटर लगाने के बाद ये 100 लीटर पानी जो हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर का है, ये हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर का है और अपने को इसको ले जाना है फाइनली 60 डिग्री टेम्परेचर पे। 60 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 50 डिग्री टेम्परेचर को अप करना होगा। तो 10 डिग्री के पानी को 60 डिग्री ले जाने के लिए 50 डिग्री हमको प्लस करना होगा। इसके लिए हमको कितना टाइम लगेगा 1 किलोवाट में, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने लिख करके रखा है, मैं आपको बताता हूं। इसका फॉर्मूला है टाइम, ये सेकंड में निकालेगा, 4180, ये एक अलग चीज है कि किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। टेम्परेचर डिफरेंस अमाउंट ऑफ वाटर लोड किलोवाट। तो यहां पर जो हमने लिया है टाइम 4180, 50 हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है क्योंकि 10 डिग्री का पानी है और 60 डिग्री हमको लेके जाना है। 100 लीटर हमारा पानी है और 1000 वाट है हमारा, मींस 1 किलोवाट। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 20,900 सेकेंड, ये हमारा सेकेंड में निकल के आएगा टाइम। इसको आवर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको 5.8 आवर हमारा निकल के आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 100 लीटर पानी 10 डिग्री का, उसको 50 डिग्री रेज कराने में 1 किलोवाट को जो टाइम लगता है वो लगता है 5.80, इट मींस हम इसको 6 किलोवाट नियर अबाउट मान लेते हैं, थोड़ा सा हीट लॉस वगैरह भी। इट मींस 6 किलोवाट एनर्जी हीट 100 लीटर वाटर इन 1 आवर। मींस क्या हुआ, 100 लीटर पानी को अगर हमें 50 डिग्री रेज कराना है तो हमें 6 किलोवाट एनर्जी की आवश्यकता होगी। आप जब किसी भी कंपनी का हीट पंप खरीदें तो उनसे ये भी पूछें कि वो किस मटेरियल का बना है। वैसे सबसे अच्छा जो टैंक होता है वो SS304 और 316, दोनों ग्रेड अच्छा है, दोनों अच्छा होता है। और उसकी एक इंसुलेशन देखें, जनरली यहां पर इंसुलेशन होता है, ये मैंने दिखाया है, ये इंसुलेशन है। इंसुलेशन क्या करता है कि जो पानी इसके अंदर हीट हुआ है उसके टेम्परेचर को ये ना बाहर जाने देता है और बाहर के वातावरण से ये इसको ठंडा होने नहीं देता है। इसके लिए इंसुलेशन होता है
और जनरली जो भी इस छोटे टैंक होते हैं अप्रोक्सीमेट 500 से लेकर के लगभग 700 तक, इसमें पफ इंसुलेशन होता है और पफ इंसुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इससे बड़ा जो टैंक होता है उसमें ग्लास वूल रॉक वूल का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि एसएस का टैंक और एसएस में 304 या 316 अगर है तो इस ये ज्यादातर देखा गया है कि जहां पर टीडीएस पानी के अंदर 500 या 600 तक होता है तो वहीं तक ये बेहतर काम करता है। अगर इससे ऊपर आपके पानी का टीडीएस है तो आप एसएस का टैंक ना लगाएं, क्योंकि ये एक दो साल में लीक होने का अधिक संभावना होता है, क्योंकि एसएस में लीकेज जो होती है जहां पे एसएस वेल्ड होता है वहीं से लीकेज स्टार्ट होती है। एसएस कभी बीच से लीकेज नहीं करता, जहां पे वेल्डिंग होती है वहीं से लीकेज होती है। तो इस कंडीशन में आपको ये वाला मटेरियल जो है ये वाला मटेरियल एमएस का रखना चाहिए। और मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं जो एमएस विद सिरामिक कोटिंग देती है। सिरामिक कोटिंग आप याद रखें, सिरामिक कोटिंग, सिरामिक कोटिंग होती है जैसे कार के ऊपर कोटिंग होती है पेंट का, वही होती है, या कप प्लेट जो होता है इसी मटेरियल का होता है। जनरली आप यही समझे, इसी मटेरियल का इंटरनल एमएस, ये एमएस होगा और इसके ऊपर वो कोटिंग होगी जिससे कि वो एमएस का जो मटेरियल है और टैंक का पानी है इन दोनों के बीच में जो होता है वो सिरामिक कोटिंग होती है। तो ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और खास करके जहां टीडीएस अधिक होता है, जहां की पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहां पर तो ये सबसे अच्छा टैंक होता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंचे। अगर किसी तरह का सजेशंस हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।